और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सम्मेलन कार्यक्रम में एक हिस्सा लिया। छात्र सम्मेलन कार्यक्रम था ये। इस दौरान हमारे सहयोगी ने कपिल देव के साथ बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा उन्हें सुनते हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं, मेरे साथ बातचीत कर लेते हैं। सर, न्यूज़ वन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बुलंदशहर पहुँचे, क्या कर रहे हैं? यहाँ बुलंदशहर में है, मैं वर्तमान में यहाँ इस समय स्वामी सत्यानंद सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में यहाँ पर हूँ। विकास गुप्ता जी इसके प्रबंधक हैं और यहाँ के विधायक हमारे साथ हैं, आदरणीय विधायक जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। सभी का यहाँ पर स्वागत भी है और ये बच्चों का वार्षिकोत्सव है, वार्षिक कार्यक्रम है और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति, उनको पुरस्कार वितरण और बच्चे अपने जीवन में और अधिक कैसे आगे बढ़े इस संकल्प के साथ हमारी सरकार भी काम कर रही है। बच्चे राष्ट्रभक्ति के साथ प्रेरणित होने के साथ साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, इस योजना के साथ ये सब कार्यक्रम चलते हैं और ये हमारा विद्यालय और अच्छा काम करे। मंत्री जी, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके की स्टडी है भाजपा की और अब कुछ ही दिन ही बचे हैं यूपी चुनाव में, निकाय चुनाव को लेकर? चुनाव की पूरी तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जो लोकसभा चुनाव है उसी की तैयारी हमारी चल रही है। बूथ तक बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहा है, वही कार्यक्रम हमारा नगर पालिका, स्थानीय निकाय, नगर निगम, टाउन एरियाज, उनके लिए चल रहा है। प्रत्येक टाउन एरिया में, प्रत्येक निकाय में, प्रत्येक नगर निगम में हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के साथ साथ चुनाव जीत करके आएँ और अधिक से अधिक समाज की सेवा कर सकें, इस संकल्प के साथ। अखिलेश यादव रायबरेली पहुँचते हैं, बसपा के संस्थापक का मूर्ति अनावरण करते हैं, क्या लगता है दलितों की शादी? कुछ नहीं है, अखिलेश यादव जी को अब इस समय दलितों की याद आ रही है, लेकिन मायावती जी ने उसी दिन बयान दिया कि जिस प्रकार से गेस्ट हाउस कांड हुआ और बसपा के इतनी वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है और इस तरीके से दलितों की सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी साझा अपमान होता है, तो काशीराम जी की मूर्ति पर मानार्पण करने से मुझे लगता है जो दाग उन पर लगा है वो धुलने वाला नहीं है। आज काशीराम जी की पीछे जयंती थी, काशीराम जी की जयंती पर उनकी चुनी हुई मानार्पण किया उनकी मूर्ति पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से दलितों के काशीराम जी का जो संदेश, दलितों के इतिहास, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है सर, सपा प्रयागराज से शुरू कर रही है देश बचाओ प्रदेश बचाओ, इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? देश ही बचा है, प्रदेश ही बचा है, सुरक्षित हाथों में, सबको भरोसा है। ताऊ जी खड़े, इनसे पूछे बताएंगे। देश इस समय सुरक्षित हाथों में, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, विद्यार्थी, सब लोगों को मोदी जी पर, योगी जी पर भरपूर भरोसा है, उनके परिश्रम पर, उनके कार्यनिष्ठा पर, उनके राष्ट्रभक्ति पर, और मुझको लगता है कि देश पूरा सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है और लंबे समय तक भी चलने वाला है। ये थे हमारे साथ में कपिल देव अग्रवाल, उनका साफ साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भाजपा सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ वन इंडिया, बुलंदशहर।